नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं जीएन न्यूज हरियाणा बुलेटिन। शुरुआत करते बड़ी और अहम खबर से। सांसद संजय भाटिया ने लोकसभा में उठाया मुद्दा। बता दें कि करनाल को एनसीआर से बाहर करने की उठाई मांग। औद्योगिक इलाके में कोयले के वो लेकर इस्तेमाल की अनुमति की मांग की है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पीएनजी से ईंधन की लागत बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। बड़ी खबर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर उद्योग को लेकर भी उन्होंने अपनी बात उठाई है। तो करनाल को एनसीआर से बाहर करने की मांग उठाई गई है। बड़ी खबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सांसद संजय भाटिया ने संसद में अपने बताया जा रहा है कि संबोधन में करनाल लोकसभा क्षेत्र को एनसीआर से बाहर करने की मांग उठाई है। साथ ही औद्योगिक इकाइयों में बताया जा रहा है कि इकाइयों को वायलरों से कोयले के इस्तेमाल की अनुमति देने का अनुरोध किया है। लोकसभा में सांसद संजय भाटिया ने औद्योगिक क्षेत्र की मांग को उठाते हुए कहा कि करनाल लोकसभा क्षेत्र में हजारों औद्योगिक इकाइयां हैं जो कि कोयले से चलती हैं। इन औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोयले के इस्तेमाल को लेकर नोटिस दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीसीबी की तरफ से औद्योगिक इकाइयों को और औद्योगिक इकाइयों ने लगे बॉयलर को कोयले के बजाय बताया जा रहा है कि पीएनजी में बदलने के लेकर नोटिस दिया था और इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। संसद में मांग उठाई गई है। सांसद ने संसद में मांग उठाते हुए कहा कि बॉयलर से पीएनजी पर लगाने से ईंधन की लगातार खपत बढ़ रही है और इससे पानीपत की औद्योगिक इकाइयां वैश्विक स्तर पर कीमतों में मुकाबला नहीं कर पाएंगी क्योंकि इससे ईंधन की लागत भी 3 गुना बढ़ जाती है। आर्थिक रूप से भी व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने मांग उठाते हुए कहा है कि अगर कोयले से चलने वाले सभी बॉयलर इकाइयों को छूट नहीं दी गई तो इकाइयां बंद हो जाएंगी और वैश्विक स्तर पर पिछड़ जाएंगे। अपने लोकसभा क्षेत्र करनाल लोकसभा क्षेत्र की बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है जहां पर जो बॉयलर चलते हैं वो कोयले से चलते हैं, लेकिन मेरा पूरा लोकसभा क्षेत्र हनरेबल मेंबर अंडर रूल 377 यू हैव टू रीड द टेक्स्ट व्हिच वाज सबमिटेड टू द हाउस। यू कैनॉट यस बॉयलर पर उद्योग चल रहे हैं। पीसीबी द्वारा इकाइयों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। यदि ये उद्योग 30 सितंबर 2022 तक पीएनजी में नहीं बदले गए तो इन्होंने सबको नोटिस देना शुरू किया है। एनसीआर में हजारों बॉयलर हैं और सभी उद्योग अगर बॉयलर बदलते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको इतनी जल्दी चेंज कर सके। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें ईंधन की जो लागत है वो 3 गुना बढ़ जाएगी जो आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। एनसीआर क्षेत्र में सभी इकाइयां बंद रहेंगी और शेष भारत के साथ वो कंपटीशन नहीं कर सकती। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पीएनजी जब तक आपूर्तिकर्ता प्रत्येक क्षेत्र और एकाधिकार में केवल एक ही है और बहुत ज्यादा कीमत उसकी वसूली जा रही है, इन पीएनजी आपूर्तिकर्ताओं पर कोई निमंत्रण नियंत्रण भी नहीं है। सरकार से अनुरोध है कि पानीपत उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कृपया बॉयलरों के ईंधन के रूप में कोयले की अनुमति दें या मेरे संसदीय क्षेत्र को एनसीआर से बाहर किया जाए।